सागर के युवा डांसर रोहित कुमार ने मुंबई में आयोजित टीवी शो इंडिया ब्रास्ट डांसर के मंच पर बेली डांस में इस कदर जौहर दिखाया कि शो के जज तो ठीक सारे मुंबई और अब सारा देश उसके डांस की अदाओं पर फिदा हो गया। टीवी शो के बाद इंडिया बेस्ड डांसर की श्रेणी में सुमार रोहित कुमार अहिरवार बताते हैं कि 10 साल की मेहनत अब रंग लाई है। बचपन से कई यादनाओं व जलील होने के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मुझे बचपन से ही गर्ल्स डांस पसंद थे। बचपन में टीवी पर गाना देखते ही नाचने लगता था। मोहल्ले में भी लड़कियों वाले डांस करना पसंद था। मैं पढ़ाई छोड़ने के बाद गुरु के रूप में ओशियन विट डांस अकेडमी के लकी सराफ से मिले, जिन्होंने मेरे हुनर को पहचाना। उनकी डांस क्लास में मैंने डांस करना शुरू किया, डांस के तौर तरीके सीखे, अलग अलग डांसों को जाना। डांस क्लास से आने के बाद मैं अपने घर के आंगन में रात के समय ईयरफोन लगाकर डांस सीखने लगा। वर्तमान में 14 घंटे का रियाज डांस के लिए करता हूँ। आज जिस भी मुकाम पर पहुंचा हूँ इसका श्रेय मेरे कोरियोग्राफर लकी बया को जाता है। सागर संवाददाता एस एन पटेल की रिपोर्ट। पानी बढ़ रहा है और हमारा नाम भी ऊंचा और सागर का नाम भी ऊंचा कर रहा है, इसलिए मैं बहुत अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मुसीबतों से इसकी पाल के बड़ा किया है। इसकी बहन थी, वो पढ़ती थी और पढ़ के आन के इसको देख रेख करती थी, और एक मेरा बेटा है बड़ा रोहित सिंह, नेमचंद नाम है उसका। वो आंखों से भी विकलांग है और मानसिक से भी विकलांग है, तो उसकी सेवा भी करते थे, नहलाते थे, सपराते, कपड़ा पहनाते थे, और उसके बाद में घर का पालन पोषण भी करते थे, सिलाई मशीन चलाते थे, और रोहित अपना डांस डांस करते रहे। और डांस करने के बाद में रोहित अपने जी लकी भैया के यहाँ क्लास में चले जाते थे, तो मैं घर पर रहता था, उस बच्ची को देखता था, विकलांग को। सिर्फ ये है कि मैं इनको ऐसा डांटता था कि जी डांस डांस कर रहा है, आप पढ़े लिख के कछु योग्य बनो, तो जी कहते थे कि हम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा पापा, हम दसवीं तक तो पढ़ रहे हैं, हमने इनका 2-3 बार एडमिशन कराया, मगर जी उसमें रुचि नहीं रखी इनने पढ़ाई में, तो हमने फिर कह दी कि आप तो मैं जो इच्छा है वो करवा, तो जी अपने डांस में लग गए। तो लकी भैया आए तो हमारे बड़े भाई से कहने लगे कि हमें 2 साल के लिए सिर्फ बालक को हमारे जिम्मे कर दो, इसकी हम मंजिलों पर पहुंचा दें। तो हम लोगों ने कह दी कि हाँ ठीक है, आप बता रहे हैं तो आप इसको साथ में रखो और आप ये आगे बढ़ जाए। अब सिलेक्शन हो गया तो अब आपको कैसा लग रहा? अब हमें बहुत गर्व हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि मेरा लड़का आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मेरी तो जिंदगी का क्या है, अब तो उम्र ढल रही है। बाकी वो विकलांग लड़का है उसका थोड़ा ध्यान देवें जी, बड़ी लड़की का, क्योंकि वो बहुत विकलांग है, कुछ कपड़ा भी नहीं पहन पाता, नहा पाता, ना कुछ नहीं। तो जब तक मैं हूँ जिंदा तो कर रहा हूँ, इसके बाद में इसके सुपरा थे पूरा घर, और वो माँ इसकी है नहीं, घर में और कोई है नहीं, बहन है सुबह अपने ससुराल में है। अब हम दोनों लड़की और हम अपना परिवार चला रहे हैं, और विकलांग के लिए खुआते हैं और करते हैं। इसलिए जब मैं 10 साल का था तब से ही प्रैक्टिस कर रहा था, और ऐसे ही छोटे मोटे डांस करता रहता था, प्रोग्राम में जाता था, तो वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई, मैंने स्टार्ट किया डांस करना। तब मैं बैली नहीं करता था, बॉलीवुड डांस करता था। फिर धीरे धीरे मैंने डांस करना स्टार्ट किया, यूट्यूब से सीखा, देखा, टीवी पे देख के सीखता था। तो फिर है ना, मैं ओशन बीट डांस क्लास में गया, वहाँ मुझे लकी भैया मिले, फिर वहाँ मैंने अपना बैली डांस किया, उसकी प्रैक्टिस की, बैली डांस प्रिपेयर किया। उसके बाद मुझे लगा कि अब मेरा जो डांस है मुझे अब उसको निकालना चाहिए, पूरे इंडिया को दिखाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी लोग कमेंट ही करते थे, तो मुझे सबको जवाब भी देना था और सबको दिखाना था कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैं अपना बैली डांस लेके इंडियाज़ बेस्ट डांसर में गया, ऑडिशन दिया, और मैं अभी ऑडिशन में सिलेक्ट भी हो गया हूँ, और कल मेरा परफॉर्मेंस भी आया था, तो मैं बहुत खुश भी हूँ आज। हाँ, इसमें किसका